कई ऐसी चीजें बनी जिसके कारण वो मामला साल भर चला, फिर बंद हो गया। मुझे खुशी है कि फिर डोर टू डोर कचरा प्रबंधन का काम प्रारंभ हुआ है और हमारे वार्ड पार्षदों की भूमिका सबसे ज्यादा है। इसे मैं अपने वार्ड पार्षदों से भी आग्रह करूंगा कि शहर को केवल संकल्प लेने से नहीं होगा, हमें मुझे क्या करना है। नहीं तो हर आदमी भाषण दे रहा है, फोटो खिंचवा लिया झोल लगाने के लिए, फोटो खींच गया अखबार में छप गया, ठीक है वो भी होना चाहिए, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहना कि मुझे क्या करना। तो आप ये छोटे छोटे कुछ काम है, अगर ये काम हमने कर दिया तो मित्रों आगे आने वाले दिनों के अंदर हम पटना शहर को स्वच्छ बना सकते हैं। जैसे मित्रों बाहर से आने वाले लोग ये देखकर उनको खाना खाने के बाद आना पड़ेगा कि पटना नगर स्वच्छ है, पटना शहर के अंदर एक बेहतरीन कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है और ये काम केवल पटना नगर निगम कर सकता है। इसलिए मित्रों मैं आप सभी लोगों से और खास करके मैं पटना नगर निगम और मेयर सारे लोगों को और सुरेश शर्मा जी को, और सुरेश शर्मा जी की जिम्मेवारी तो नगर की नहीं है, आपकी जिम्मेवारी तो पूरे बिहार की है और पटना तो एक मॉडल है। अगर पटना साफ सुथरा हो गया तो मित्रों पूरा बिहार अपने आप, बिहार के जो शहर है वो अपने आप साफ सुथरा हो जाएंगे। इसको एक मॉडल के रूप में इसको विकसित किया जाना है। तीसरे मित्रों और हमारे सफाई कर्मचारी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि गंदगी हम फैलाते हैं और आप साफ करते हैं, तो ऐसा ना हो कि गंदगी कोई फैलाए साफ कोई और करे, तो गंदगी फैलाने वाले भी सफाई करें। और देखिए इस देश का दुर्भाग्य है कि हमें हाथ से काम करने वाले लोगों को सम्मान देना बंद कर दिया, इज्जत देना बंद कर दिया। अगर कोई गाड़ी का ड्राइवर उसको इज्जत नहीं देंगे, कोई इलेक्ट्रिशियन उसको इज्जत नहीं देंगे, कोई अगर शौचालय साफ करने वाला है उसको इज्जत नहीं देंगे। अब दिल्ली में जाइए एयरपोर्ट पर भी तो शौचालय बने, कौन साफ करता, हाथ में ग्लव्स लगाकर अच्छे कपड़े पहनकर गाउन पहनकर वो शौचालय साफ करता है, और शाम को जब घर जाता है तो ये कहना मुश्किल कि यही आदमी है जो एयरपोर्ट के शौचालयों को साफ कर रहा था। मैं तो 40-45 देशों के अंदर गया, हर जगह शौचालय है, हर जगह साफ करने वाले लोग हैं, लेकिन साफ करने वाला व्यक्ति और बाकी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। शाम को होटल में एक ही टेबल पर बैठकर करोड़पति भी खाना खाता है और उसी टेबल पर बैठकर एक साफ सफाई करने वाला कर्मचारी भी बैठकर खाता है, तो दूरी बन गई। उन देशों में मैं गया, अमेरिका में जिस फ्लैट जिस बिल्डिंग में ठहरा था, मैंने पूछा कि बगल के फ्लैट पे कौन है, मालूम पड़ा कि ये सफाई कर्मचारी है। अब हम लोग की तो मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि मेरे ड्राइवर की हिम्मत हो जाएगी मेरे साथ बैठकर खाने की, मेरा नौकर मेरे साथ बैठकर खा सकता है, ये हमारी मानसिकता है। जिसे मित्रों हाथ से काम कर, और गांधी ने 150 साल पहले सोचिए, उस समय शौचालय की कल्पना नहीं थी, और गांधी ने क्या कहा, गांधी ने कहा कि गंदगी बीमारी ना फैले तो जो मैदान में जाते हैं शौच के लिए वो गड्ढा खोदे, और गड्ढा थोड़ा खोद कर थोड़ा सा हाथ से ही गड्ढा खोद कर शौच के बाद उसको भर दे। यानी 150 साल पहले जब शौचालय की कल्पना नहीं थी तब गांधी ने कहा कि गड्ढे में शौच करो उसको भर दो ताकि बीमारी न फैले। और महात्मा गांधी जिस आश्रम में रहते थे वो स्वयं अपने आश्रम को झाड़ू से स्वयं साफ करते थे, आश्रम के लोग करते थे, उनकी पत्नी बा जो गांधी की जो पत्नी थी वो शौचालय साफ करती थी, तो गांधी ने एक आदर्श उपस्थित किया है। इसलिए मित्रों आज के दिन मैं तमाम वार्ड पार्षदों से और तमाम ये बैठे लोगों से अपील करूंगा, ये काम केवल मुख्यमंत्री का नहीं है, ये केवल उप मुख्यमंत्री का नहीं है, और बिहार के मुख्यमंत्री तो दिन रात लगे हुए हैं, उन्होंने हर घर में शौचालय कैसे बने इसलिए पूरी ताकत से लगे। तो मेरे मित्रों मैं आज आपसे यही आग्रह करूंगा, केंद्र की सरकार राज्य की सरकार ये दोनों का संकल्प है कि 2019 की 2 अक्टूबर तक हम एक स्वच्छ बिहार एक स्वच्छ भारत गांधी के चरणों में सौंपने का काम करें। आइए मेरे पटना के वासी आज के दिन संकल्प करें कि जो वार्ड बच गए हैं जिनको एक बड़ा बच्चे लेकर चले विषय जी 3 महीने के भीतर जो खुले में शौच से मुक्त करना, आइए हम सब लोग से मदद करें।
और अपने शहर को साफ सुथरा रखने में हम सब लोग मदद करें, सहयोग करें, ताकि हम गर्व के साथ कह सके कि क्लीन पटना ग्रीन पटना। तो आइए मेरे मित्रों, स्वच्छ पटना का संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।